श्री विष्णु पुराण पांचवा अध्याय पूतनावध। श्री पराशर जी बोले, बंदी ग्रह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस समय यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका है, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं? यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी प्रकार रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की आपने की है। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुका कर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उनके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए व्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए भगवान कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करें। जिनके दाढ़ों के अग्र भाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है वे वराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखागरों से शत्रु के वक्षः स्थल को विदीर्ण कर दिया था वे नृसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वथा रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने तीन पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था वे भगवान वामन तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, भगवान विष्णु गुह स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख बाहु प्रबाहु मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत कुष्मांड और राक्षस हों वे श्रांग धनुष चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, भगवान मधुसूदन विदिशाओं अर्थात कोणों में, ऋषिकेश भगवान आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवे अंश में पांचवा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।